कॉमन वर्ड अल। सो अल का क्या मतलब है? पहली बात ये एक लैटिन वर्ब है, लैटिन वर्ब अलो। अलो मीन आई नोरिस, आई नोरिस। और इसका इन्फिनिटिव है अलेरे, अलेरे। और इसका मतलब हो गया टू नोरिस। और इसी तरह से फ्रेंच में भी एक वर्ड है जिसका मतलब भी लगभग सेम है, अलेस्केरे, अलेस्के और अलेस्केरे। इसका मतलब है टू ग्रो, बढ़ना, बढ़ना, पलना, इस तरह से। और यहाँ पे अब हम देखें इन तीन से तो कॉमन जो वर्ड बनाओ अल। अब अल का मतलब हुआ टू नोरिस, या फिर सिंपल हम कहें ये हुआ नोरिस। और इसको हम कह सकते हैं ग्रो, ग्रो, बढ़ना। तो यहां से हम कह सकते हैं पलना या फिर बढ़ना। अल का ये मतलब है। अब ये सारे जो वर्ड हैं इनमें कहीं ना कहीं बढ़ना और पलने जैसा कोई मीनिंग निकलेगा। अब ये जो पहला वर्ड है इसमें आप देखिए अलिमेंट, अल कॉमन है और मेंट जो है वो हम यूज करते हैं नाउन बनाने के लिए। दिस इज नाउन, तो ये इसका मतलब हो गया फूड, फूड। और ये हुआ अलिमेंटल, इसका मतलब हुआ रिलेटेड और परटेनिंग टू फूड, फूड के संबंध में। इसका मतलब हुआ परटेनिंग टू फूड। अब ये अलिमेंट्री कनाल, कनाल का मतलब हमें मालूम है। तो यहाँ तक तो फूड हो गया अलिमेंट और ओरी। यहाँ पे है सबसे पहले ओरी, इसका मतलब एक्चुअल हम स्थान से लेते हैं, स्थान या फिर जगह। ये सुफिक्स है ओरी, इसका मतलब जैसे एक वर्ड होता है मोर्चुरी, मोर्चुरी जो है ये इसका मतलब जहाँ पे मुर्दे रखे होते हैं, मुर्दों का स्थान, यानी जहाँ मुर्दे रखते हैं। ये वर्ड कहाँ से आया है? ये भी ग्रीक के मोर्टूस से आया है। और यहाँ पे एक और वर्ड है सिंपल मोर्स, जिसका मतलब है डेथ। तो वहाँ से ये मोर्चुरी आया है। और इसका जो जेनेटिव होता है वो मोर्टूस होता है, मोर्टिस होता है, ऑफ डेथ, डेथ रिलेटेड। तो ऐसे ही ये एक स्थान है जहाँ पे फूड होता है। तो अब देखिए यहाँ पे फूड का स्थान, और कनाल का मतलब है नाली या पाइप या पैसेज, पैसेज या फिर पाइप, या फिर हम इसको नली या नाली बोल सकते हैं, या इसको हम पैसेज बोल सकते हैं, या फिर हम इसको रास्ता बोल सकते हैं। तो ये हो गया जो हमारे अंदर खाने की जो पाइप है या नली है उसको हम
एलिमेंट्री कनाल बोलते हैं, या फिर इसको आप कह सकते हो आंत, इसको आप कह सकते हो डाइजेस्टिव कनाल भी बोल सकते हैं इसको हम, इसको हम बोल सकते हैं डाइजेस्टिव पैसेज या कनाल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं आंत। अब ये है अल्ट्रीसियल। अल्ट्रीसियल का मतलब ये है, ये भी एक प्योर लैटिन वर्ड है। इसमें दो वर्ड हैं, एक है अल्टोर, ये रहा, यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब होता है पालने, फोस्टर सन, इसका मतलब है जो पालने वाला या पलने वाला, इसका मतलब हो गया। या तो आप कह सकते हो फोस्टर। अब फोस्टर जो वर्ड है इसमें भी देखो इंटरेस्टेड है, फोस्टर जो वर्ड आया है वो फूड से आया है, फूड, दोनों की साउंड देखो थोड़ी सेम है। तो फोस्टर, यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं फोस्टर सन, यानी वैसे हम इसको गोद लिया बच्चा कहते हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं पलने वाला, हिंदी में आप कह सकते हो पलने वाला। अब ये है कोलैस्के। अब अलैस्के तो हमें मालूम है, अलैस्के मतलब बढ़ना। अब ये क्या हुआ कि साथ में बढ़ना, को का मतलब को और कॉम, को का कॉम का स्मॉल या ब्रीफ एब्रीवेशन को है। जैसे हम कहते को एड, को एड, इसका मतलब क्या है इकट्ठी एजुकेशन, इसका मतलब ये होता है को एजुकेशन, एजुकेशन इसका मतलब जहाँ लड़के लड़की इकट्ठे पढ़ते हैं। तो को का मतलब है, को का मतलब है साथ में, साथ में, और कॉम का मतलब भी साथ में है या विद है, या फिर इसको हम विद भी बोलते हैं। तो ये हो गया साथ में बढ़ना, इसका मतलब हो गया साथ में बढ़ना। अब अल्मा मैटर। अब अल्मा का मतलब है वही पालने वाला, और ये मदर, पालने वाली माँ, इसको हम कह सकते हैं फोस्टर मदर कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ पालने वाली माँ, क्योंकि मैटर का मतलब माँ और अल्मा का मतलब पालने वाली, ये अल से वर्ड बना, इसका मतलब दूसरा फोस्टर मदर भी कह सकते हैं, फोस्टर मदर भी कह सकते हैं। अब ये अल्टोर और अल्ट्रिक्स, ये अल्टोर का मतलब है मेल यानी आदमी जो पालने वाला। अब ये रिक्स जो हम लगाते हैं ये फीमेल के लिए लगाते हैं, तो इसका मतलब हो गया पालने वाला, पालने वाला, और अल्ट्रिक्स का मतलब वाली। पालने वाली को अलीसन। अब को अलीसन, अलीसन का मतलब पलना या बढ़ना। अब को का मतलब साथ, ऐसा ही मतलब है इसका। तो ये हो गया एक तरह से इकट्ठे होना या इकट्ठे बढ़ना, वही इसका मतलब है या तो हम इसको कह सकते हैं इकट्ठे होना या फिर बढ़ना, ये इसका मतलब है।